نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدوم محترم لائق عزت احترام حضرات مہمانان گرامی حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ نورانی محفل وڈال میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے، انجمن کی جانب سے یہاں پر انعقاد پذیر ہے. اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ اب الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، وہیں پر اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیارہویں شریف کی محفل کا انعقاد بھی کر رہے ہیں. اور اس میں ابتدا کی ہے وڈال میمن جماعت نے. میں جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بردن ملت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قدم مبارکہ ہے. یہ وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے اولیاء کرام ہیں اور اولیاء کرام سے وابستہ لوگ ہیں، وہ دل کی گہرائیوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف یہ کہ احترام کرتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات مسعود کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے حالات و معاملات ان کتابوں میں زیر بحث لائے گئے. آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
कि जिस पर अहले इल्म ने गुफ्तगु ना की हो। उन सारी बातों का इहाता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चंद बातें, चूंकि वक्त हमारे पास महदूद है, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए अर्ज करता हूं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर रिवायत के मुताबिक 470 हिजरी में ईरान के शहर गीलान में पैदा हुए। आपका नाम अब्दुल कादिर रखा गया, चूंकि सैयदजादे थे इसलिए लोग आपको सैयद अब्दुल कादिर कहने लग गए। ये बात जहन में रहे कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नजीबुत्तरफैन सैयदजादे। नजीबुत्तरफैन का मतलब यह है कि दोनों तरफ से सैयदजादे, वालिद मोहतरम की तरफ से भी सैयदजादे हैं और वालिदा महबा की तरफ से भी सैयदजादे हैं। वालिद मोहतरम की तरफ से आप हसनी सैयदजादे हैं और वालिदा महबा की तरफ से आप हुसैनी सैयदजादे हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबी मोहम्मद थी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम सैयद मूसा था और ये सैयद मूसा जंगी दोस्त के नाम से मशहूर थे। ये जो जंगी दोस्त लफ्ज है ये फारसी जुबान का लफ्ज है। हमारी उर्दू जुबान चूंकि कई जुबानें मिलकर बनी है इसलिए बाज मरतबा पता नहीं चलता कि ये लफ्ज हिंदी जुबान का है या अरबी जुबान का है या फारसी जुबान का है। तो जहन में रखिएगा जंगी दोस्त ये फारसी जुबान का लफ्ज है और इसके माना है जंग से उनसियत रखने वाला यानी जिहाद से मोहब्बत करने वाला। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की वालदा महरवा का नाम फातिमा था। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हुजूर का नाम अब्दुल्ला सोमई था। अच्छा ये बात जहन में रहे आपके कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अपने खानदान में सिर्फ एक अल्लाह के वली, ऐसा नहीं, बल्कि आप अगर मुताला फरमाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे पाक का पूरा पूरा खानदान आपको विलायत की कान दिखाई देगा। ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं कर रहा, हुजूर गौसे पाक खुद अल्लाह के वली, हुजूर गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा अल्लाह की वली, हुजूर गौसे पाक के नाना नानी अल्लाह के वली, हुजूर गौसे पाक के दादा दादी अल्लाह के वली, हुजूर गौसे पाक की फूफी जिनका नाम आयशा आया वो भी अल्लाह की वली, हुजूर गौसे पाक की औलाद भी अल्लाह की वली। अल्लाहु अकबर, तो हुजूर गौसे पाक का पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह ये विलायत की काम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की फूफी जान के बारे में बड़ी मशहूर जमाना किताब है कलाइदुल जवाहिर, जिसके मुसन्निफ मोहम्मद बिन याहिया तादिफी है रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के नाना हुजूर अब्दुल्ला सोमई ये इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि ये मुस्तजाब दावात। मुस्तजाब दावात किसे कहते हैं? जो दुआ रब की बारगाह में करे रब दुआ को कबूल फरमाता है। इसी तरह हुजूर गौसे पाक की फूफी जान के जिनका नाम आयशा आया ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कामिल वलिया। मोहम्मद बिन याहिया ताज़फी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा हुआ ऐसा कि गीलान में बारिश नहीं हो रही, शदीद कहर साली हो गई। आप जानते हैं कि जब किसी मुल्क में सूबे में बारिश ना हो
تو فقہائے کرام نے طریقہ یہ تعلیم فرمایا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی جائیں۔ لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی، لوگ بڑے پریشان، اور پریشانی کے عالم میں جب واپس لوٹے تو کچھ خواتین نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی رہتی ہیں عائشہ، ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جو دعا کرتی ہیں ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محلے کی کچھ خواتین اور کچھ حضرات آپ کے گھر آئے، خواتین مکان میں داخل ہو گئیں اور عرض کرنے لگی کہ عائشہ آپ جانتی ہیں کہ شدید قحط سالی ہے، بارش ہو نہیں رہی، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو کہ اللہ والوں کے عجب ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی جان عائشہ بجائے اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، لکھنے والوں نے لکھا آپ نے اپنے ہاتھ میں جھاڑو اور اپنے مکان کے صحن میں جھاڑو، جھاڑو کو ایک کونے میں رکھا، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ عرض کرتی ہیں مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو اکیلے اللہ کے ولی نہیں ہے بلکہ پورا خاندان ولایت کے کان ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کرامتوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو۔ اب یاد رکھیے کہ معجزات ہوں یا کرامتیں، یہ کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ اگر عقل کے ذریعے سے معجزات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ ہم موضوع معراج شریف کی اگر بات کریں کہ تھوڑے سے وقت میں حضور کا جانا اور آنا، کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، وضو کا پانی بھی چل رہا ہو اور حضور علیہ السلام گئے اور واپس تشریف لائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے موضوع معراج کا انکار کیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑے دیر میں گئے اور آئے، عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی، فلسفہ میدان میں آ گئے اور دیگر لوگ میدان میں آ گئے، صاحب ہو ہی نہیں سکتا، جسم ثقیل ہوتا، جسم بھاری ہوتا، بھاری جسم کا اوپر جانا محال ہے، اور راستے میں کرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، اسے گل و گلزار بنانا ناممکن ہے، آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا، حضور کیسے گئے کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب آئے تھے معراج کو شروع فرمایا تو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے میری ذات کہ جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی ہے، اور تم سب کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو جب میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں کہ معجزات اور کرامتیں یہ ایسی چیز ہیں جنہیں عقل کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں شاہ صاحب پھر معجزات کیسے سمجھ میں آئیں، کرامتیں کیسے سمجھ میں آئیں؟ تو یاد رکھیے گا معجزات کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور کرامتوں کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق اولیاء کرام کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں دل میں ہوں گی انشاءاللہ معجزات بھی سمجھ میں آئیں گے، کرامتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت معجزات پر بھی یقین رکھتے ہیں، کرامتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور عشق اولیاء کرام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ، کرامتوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے، والدہ محترمہ کی عمر شریفہ 60 سال تھی۔ آپ طبیبوں سے پوچھ، ڈاکٹروں سے پوچھ، جدید سائنس کیا کہتی ہے آپ پڑھ، کہ 60 سال کی عمر عورت کی ایسی عمر ہوتی کہ جس میں پریگنسی کے چانسز بالکل زیرو ہو جاتے،
लेकिन अल्लाह अकबर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला उस उम्र में वालदा मोहतरमा की तशरीफ लाए जो 60 साल उम्र शरीफा है। बाज जगह पर अल्लामा ताज़फी ने इसको लिखा, अल्लामा ताज़फी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो बात यह है कि कुरैश के लोगों की खूबी यह, कुरैश की औरतों की खूबी यह है कि अगर उनकी उम्र 60 साल भी अगरचे हो जाए लेकिन औलाद होने के चांसेस होते हैं। और अरब औरतों की खूबी यह है कि अगर उनकी उम्र 50 साल भी हो जाए तो औलाद होने के चांसेस होते हैं। ये दो खूबियां कुरैश की औरतों की हैं और मैंने अरब की औरतों की एक खूबी आपकी खिदमत में रखी, एक खूबी अरब की औरतों और एक खूबी कुरैश की औरतों। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला जब इस दुनिया में तशरीफ ला तो यकुम, तो हुजूर गौसे पाक जब तशरीफ लाए यकुम माह रमजान इस दुनिया में तशरीफ ला, यानी दूसरे दिन पहला रोजा शबे यकुम माह रमजान के दूसरे दिन पहला रोजा। वालदा महरमा फरमाती हैं हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की कि एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी रात के वक्त यानी सहरी के वक्त तो दूध पीते हैं, फिर पूरा दिन दूध नहीं पीते, फिर जब मगरिब की अजान होती है तो उस वक्त दूध पीते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंच गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी रोजे रखते हैं। फिर फरमाती हैं जब एक साल गुजर गया, मतला अबर आलूद था, चांद दिखाई नहीं दे रहा, लोग बड़े परेशान, और कुछ लोग मेरे पास आए और आंख के कहने लगे कि फातिमा ये बताई रात आपके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया या नहीं पिया। मैंने कहा रात के वक्त तो दूध पिया लेकिन ये सारा दिन गुजर रहा है अभी तक दूध नहीं पिया। जब तहकीक की गई तो पता चला उस दिन पहला रोजा था। फिर फरमाती है कि पूरे गिलान के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि सैयदों के यहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो माह रमजान में रोजे रखा। अल्लाह अकबर, ये शाम हुजूर गौसे पाक। तीसरी में करामत आपको बताऊं, अकाबिर सीरत निगारों ने इसको लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ ला 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, जितने सुन रहे हैं मुझे गौर से सुन ले, लिखना चाहते हैं लिख भी ले, हुजूर अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त जितनी खवातीन हामिला थी सबके यहां लड़के पैदा हुए, किसी के यहां बेटी पैदा नहीं। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला जब जीलान में तशरीफ लाए उस वक्त जीलान में जितनी औरतें हामला थी सबके यहां बेटे पैदा हुए, बेटी पैदा नहीं हुई। और कमाल यह है कि मौकिफीन कहते हैं कि जब अब्दुल कादिर जीलानी जीलान में पैदा हुए तो 1100 लड़के जीलान में पैदा हुए और जितने लड़के उस दिन पैदा हुए वो सब बड़े होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के वली बने। अल्लाह अकबर, ये शान है हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की। अब आइए, हुजूर गौसे पाक बड़े होना शुरू होते, किसी ने पूछा एक मरतबा, आए हमारे शायख ये फरमाई आपको कितनी उम्र में पता चल गया था कि आप अल्लाह के वली। फरमाने लगे मैं छोटा था, जब मैं मदरसे जाता तो मेरे साथ फरिश्तों की जमात चला करती और फरिश्ते मदरसे में कहते लोगों से कि रास्ता दे दो, तुम देख नहीं रहे हो कि अल्लाह का वली आ रहा। फरमाते मैं समझ गया कि अल्लाह ने ताजे विलायत मेरे माथे पे सजाया हुआ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर जिंदगी के अय्याम गुजार रहे। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे साथ मामला दूसरे बच्चों के मुकाबले बड़े मुख्तलिफ। फिर एक वक्त आया कि मैंने अपना मामला अपनी वालदा मोहतरमा के सामने रखा कि अम्मी जान आप मुझे अल्लाह के रास्ते में आजाद करो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, मैं आलिम दीन बनना चाहता हूं, जब तक मैं खुद दीन को नहीं पढ़ूंगा नहीं समझूंगा, लोगों को दीन कैसे समझाऊंगा। हुजूर गौसे पाक फरमाते मेरी वालदा मोहतरमा खुश हो और 40 दीनार मुझे दी और काफले में शामिल भी करने आई
और उसके बाद मुझे सीने से लगा के कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर इंशाअल्लाह हमारी और तुम्हारी मुलाकात कयामत के दिन होगी। अल्लाह अकबर। अब हुजूर गौसे पाक का सफर शुरू होता है, इल्मी सफर। ये 400 मील का तवील फासला तय किया आपने और आप बगदाद शरीफ में जलवागर। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने बड़ी मेहनत से इल्म दीन हासिल की। अल्लाह अकबर। अकाबिर उलमा किराम के सामने जामुए तलम्मुस तय किए और हुजूर गौसे पाक अल्लाह अकबर इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ हो गए। यहां पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये बात जहन में रखें कि अल्लाह के वली के लिए जरूरी क्या। याद रखिएगा कि अल्लाह का वली आलिम होता, जाहिल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी जाहिल को वली बनाता ही नहीं। जिसे वली बनाता है उसे उलूम के खजाने अता फरमाता। किसी ने हुजूर गौसे पाक से पूछा, आप अल्लाह के वली कैसे बन गए? तो फरमाने लगे, दरसुल इल्म हत्ता सिरतु कुदमन व निलतु सादा मिन बौलल मवाल। फरमाने लगे, मैं इल्म हासिल करते करते अल्लाह का वली बन गया और तमाम मौलाओं के मौला अल्लाह की तरफ से मुझे सादत के सारे खजाने हासिल हो गए। फिर किसी ने पूछा, अच्छा शायद जब आप अल्लाह के वली बन गए तो अब आपका मकाम क्या है? फरमाने लगे, मकाम पूछते हो, नजर तो इला बिलादिल्लाह ही जान का खर्द लती नला हुक्म इतिसाली। मैं अल्लाह की कायनात को अब ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखता हूं। अल्लाह अकबर। ने बड़ी मेहनत के बाद इल्म दीन हासिल किया। दोस्तों याद रखो कि अगर इस मामले में तरक्की करना चाहते हो पढ़ना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इल्म हासिल करना पड़ेगा। एक मरतबा किसी ने पूछा, हुजूर गौसे पाक आपने अल्लाह से क्या हासिल किया? फरमाने लगे, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दो चीजें हासिल की, एक इल्म है और एक अदब। अल्लाह अकबर। हम मुसलमान में देखता हूं हम लोग इल्म से अब बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं और अदब से भी हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इल्म के खजाने हमें अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें बा अदब मुसलमान बना। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक आलिम दीन बने, हुजूर गौसे पाक मुफ्ती आजम बने, हुजूर गौसे पाक कारी कुरान बने, हुजूर गौसे पाक हाफिज कुरान बने। अल्लाह अकबर। बड़ी मेहनत से इल्म दीन हासिल किया। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता। बाज लोग ये समझते कि हुजूर गौसे पाक बस एक मस्जिद के इमाम साहब होंगे, हुजूर गौसे पाक बस 5-10 अफराद होते होंगे, आप खिताब फरमाते होंगे, आपको सुन के हैरत हो। हुजूर गौसे पाक जब खिताब फरमाते 70,000 का मजमा हुआ करता, 70,000 का मजमा। और करामतों में बड़ी करामत यह कि उस वक्त ये लाउड स्पीकर नहीं, ये इको सिस्टम नहीं था, लेकिन 70,000 के मजमे में जिस तरह सामने बैठने वाला शख्स आपकी आवाज को सुनता था, बिल्कुल ऐसे ही सबसे पीछे बैठने वाला शख्स आपकी आवाज को सुनता था। अल्लाह अकबर। 70,000 के मजमे में हुजूर गौसे पाक खिताब फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ एक आखिरी बात मैंने आपसे कहा अर्ज करता। एक मरतबा एक सवाल आया बगदाद शरीफ के उलमाए किराम के सामने, मैं इसे बिल्कुल आसान करके आपके सामने रखता ताकि आपको पता चल जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्मी मकाम क्या। सवाल यह था, किसी ने सवाल किया कि एक शख्स ने यह कसम खाई कि वो एक ऐसी इबादत करेगा, वो ऐसी इबादत करेगा कि जिस वक्त वो इबादत कर रहा होगा दुनिया में कोई और मुसलमान वो इबादत नहीं कर रहा होगा। वो कहने लगा, अगर मैं ऐसी इबादत नहीं कर सका तो उसने कहा कि मेरी बीवी को 3 तलाक, मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त मैं वो इबादत कर रहा हूं दुनिया में कोई और मुसलमान वो इबादत नहीं कर रहा होगा।
अगर मैं ऐसी इबादत नहीं कर सका तो कहने लगा मेरी बीवी को तीन तलाक। अब ये मसला जब उलमा किराम के सामने आया, बगदाद शरीफ के सारे उलमा सर जोड़ के बैठ आपस में कहने लगे, कौन सी ऐसी इबादत जो ये कर रहा होगा तो कोई और नहीं कर रहा होगा। भाई ये अगर नमाजें पढ़ रहा है तो दुनिया में दूसरा भी तो नमाज पढ़ रहा होगा, ये अगर रोजे से है दुनिया में कोई और भी तो रोजे से होगा, ये अगर जकात देता तो दुनिया में कोई और भी तो जकात दे रहा होगा, तो कौन सी ऐसी इबादत कि जिसमें ये मुनफरिद ये कर रहा हो तो कोई और ना कर रहा। अल्लाह अकबर, सारे के सारे उलमा परेशान, और उलमा इस नतीजे पर पहुंच गए कि इसकी बीवी को तीन तलाक हो जाए, क्योंकि कोई इबादत ऐसी नहीं जो ये कर रहा होगा तो कोई और नहीं कर रहा हो। बड़ा परेशान हो गया, और परेशानी के आलम में किसी ने उससे कहा, एक हाजरी हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भी लगा, वो हुजूर गौसे पाक की महफिल में आया और अपना ये मसला उसने बयान कर दिया। हुजूर गौसे पाक ने बरजस्ता फरमाया कि अगर इसकी बीवी तलाक से बचना चाहती तो इसका आसान तरीका यह है, इसे सीधा बैतुल्ला शरीफ ले जाओ, काबे शरीफ के पास ले जाओ, और थोड़ी देर के लिए लोगों से काबा शरीफ खाली करो, और इससे कहो कि ये अकेले काबे शरीफ का साथ तवाफ कर ले, साथ चक्कर लगा ले। ये ऐसी इबादत होगी कि जब ये कर रहा होगा तो दुनिया में कोई और मुसलमान नहीं कर रहा होगा। अल्लाह अकबर, को लोगों को मानना पड़ा कि वाकईतन हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अनु के इल्म का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं वडाल मेमन जमात को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस प्यारी महफिल को सजाया, सारे लोगों को यहां पर जमा किया, और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की मोहब्बत में जमा किया। ये बहुत अच्छा इकदाम आपने किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीगर जो जमाते हैं वो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह से हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अनु की जात मसूद को खराज तहसीन पेश करने के लिए महफिल का इनेकाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम जितने कादरी, अल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक के दामन से वाबस्ता रखे, हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत पर जिंदगी अता फरमाए, और हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत पर अल्लाह ताला हमें मौत नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।